हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 20 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन से दोनों चीज़ों को अवेल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ग्लोबल रिसाइकिलिंग डे कौन सा दिन मनाया गया? तो हर साल ग्लोबल रिसाइकिलिंग डे मनाया जाता है 18 मार्च को, परसों के दिन इसको मनाया गया। और इस बार 2022 की थीम थी रिसाइकिलिंग फ्रेटर्निटी। आपको पता है ये दिवस क्यों मनाया जाता है? ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस फैले कि आप हर एक चीज़ को रिसाइकिल करने की जो पैशन है उसे डेवलप करिए। जब आप किसी भी चीज़ को रिसाइकिल करने के बारे में सोचते हो तो ध्यान रखिए दूसरी तरफ आप वेस्ट होने से चीज़ को बचाते हो। तो ये हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हम चीज़ों को रिसाइकिल करने के बारे में सोचें, ना कि हर टाइम न्यू चीज़ों को प्रोड्यूस करने के बारे में सोचें। आप अगर प्रोड्यूस कम करोगे चीज़ों को और रिसाइकिल करोगे, इससे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो आप वेस्ट को कंट्रोल करोगे और दूसरी चीज़ आपका पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, विस सिटी हैज़ बिकेम फर्स्ट इन साउथ एशिया टू सेट इट्स टारगेट फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2050। कहने का मतलब यह है कि पूरे दक्षिण एशिया में पहला ऐसा ये कौन सा शहर है जिसने टारगेट लिया है कि साल 2050 तक अपने आप को नेट जीरो कार्बन एमिशन डिक्लेयर कर देंगे। मतलब कहने का कि ये शहर 2050 तक ऐसा शहर बन जाएगा जिससे 1% भी कार्बन पैदा नहीं होगा। तो ये है मुंबई, मुंबई ने टारगेट सेट किया है। आपको बता दूं, इसके अगले 20 साल तक, मतलब भारत सरकार ने 2070 तक खुद को नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का डिक्लेयर किया है। मतलब 2070 तक की आप कल्पना करके देखिए कि अगर 2070 तक भारत जीरो कार्बन एमिशन हो जाता है तो क्या ही देश होगा। मतलब कहने का है कि एक ऐसा देश जहां पर कार्बन की पैदावार होगी ही नहीं, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल ग्रीन एनर्जी के तहत चल रही हैं। तो आप देख भी रहे हो, इसके लिए लगातार भारत सरकार के द्वारा कई सारे अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, ये सारी इन सभी क्षेत्रों के लिए एक बढ़ावा है। और मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि अगले साल तक 2023 तक 2100 नई बसेस चलाई जाएंगी और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक बसेस होंगी। इसके लिए कितना पैसा आवंटित किया जाएगा? 130 बिलियन रुपी, कितना? 130 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्लीप डे अभी हाल ही में कौन सा दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड स्लीप डे, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व निद्रा दिवस, ये मनाया जाता है 18 मार्च को, परसों के दिन इसे भी मनाया गया। और 2022 की इस बार की थीम थी क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि आपको पता होना चाहिए कि एक साउंड स्लीप या फिर एक पावर नैप की क्या अहमियत होती है। आप भले ही डे टाइम में 10 आवर्स की नींद ले लें, लेकिन वो एक साउंड स्लीप नहीं कहलाएगी। अगर आप रात में 5 से 6 घंटे की भी नींद ले लेते हैं तो वो आपके लिए एक पावर नैप का काम करती है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है, जब आप डे टाइम पे नैप लेते हो तो उस टाइम पे आपके कानों से आसपास का जो शोर है वो जा रहा होता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो पीस नहीं हो पाता, मतलब आइडियल नहीं हो पाता। बट रात की जो आपकी नींद होती है ये पावर नैप का काम करती है। 5 से 6 घंटे में ही आपकी पूरी नींद पूरी हो जाती है और आपकी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है पूरे तरीके से। रीज़न क्या है कि आपका ब्रेन को पूरा टाइम मिल जाता है, ब्रेन आपका बिल्कुल साइलेंट रहता है इस टाइम पर। तो ये बेसिकली एक अहमियत है। और कहीं ना कहीं हम सबकी हेल्थ भी स्लीप से ही जुड़ी हुई है। आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे हमेशा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन वेमेन ऑन बोर्ड लिस्ट ऑफ कंपनीज इन साउथ एशिया। कहने का मतलब यह है कि पूरे दक्षिण एशियाई रीजन में यह कौन सा देश है जिसने टॉप किया है कि इस देश के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है? तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश पूरे दक्षिण एशिया में एक ऐसा देश है जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनीज में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। और एंड इवन आपको बता दूं, 2020 में बांग्लादेश के अंदर 5% ऐसी कंपनीज थी जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में महिलाएं थी, ये सारी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इसके बाद 2021 में यह आंकड़ा बढ़ के 6% हो चुका है। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की है, तो आप समझ सकते हो इस रिपोर्ट की अहमियत कितनी है। बांग्लादेश में इस टाइम पे शेख हसीना की सरकार है, इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। नेपाल में इस टाइम पे शेर बहादुर दोयबा की सरकार है, श्रीलंका में महिंदा राजपक्षा की सरकार है और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी आत्मकथा लॉन्च करी है?
और इस किताब का नाम क्या है? इसका नाम है रिस्ट एश्योर्ड। क्या नाम है? रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। तो ये किताब लिखी गई है गुंडप्पा विश्वनाथ के द्वारा। गुंडप्पा विश्वनाथ भारत के कैप्टन रह चुके हैं और इन्होंने 1969 से लेकर 1986 तक भारत के लिए क्रिकेट खेला हुआ है। तो अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में बेंगलोर में जो टेस्ट मैच खेला जा रहा था, उसी के दौरान कपिल देव और सुनील गावस्कर के द्वारा ये बायोग्राफी लॉन्च करी गई है। और इस बायोग्राफी को गुंडप्पा विश्वनाथ के साथ आर कौशिक ने मिलकर एडिट किया है। आर कौशिक एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफशोर पेट्रोल वेसल ICGS सक्षम हैज़ बीन कमीशन। ये कौन सा राज्य है जिसके अंदर अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम को कमीशन किया गया है, मतलब अभी हाल ही में इसको सर्विस ज्वाइन कराई गई है? तो ये है गोवा। गोवा के अंदर इसको इंड्यूस किया गया है। आपको बता दूं, साल 2016 में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा फैसला लिया गया था कि इन्हें 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल चाहिए। ठीक है, तो ये 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में से पांचवा था जो कि अभी मिला हुआ है सक्षम के नाम पे। पहला जिसका नाम था सचेत, दूसरे का नाम था सुजीत, तीसरे का नाम था सार्थक, चौथे का नाम था सजग और पांचवे का नाम सक्षम। तो 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल की बात हुई थी 2016 में। अब पांच के पांचों इंडियन कोस्ट गार्ड के पास पहुंच चुके हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ अभी हाल ही में पिछले ही महीने बनाए गए थे, VS पठानिया। क्या नाम है? VS पठानिया। और ये जितने भी ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाए गए हैं ये सब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद होम टू लॉन्च प्रोजेक्ट किराना इन इंडिया। भारत में प्रोजेक्ट किराना को लॉन्च करने के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने, या फिर इसी को शॉर्ट में USAID बोलते हैं, इन्होंने कौन सी कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है? तो इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ पैक्ट साइन किया है। आपको पता है इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत में ऐसी महिलाएं जो कि अपना खुद का व्यापार करती है तो पेमेंट वो ऑफलाइन ना करें, इसके लिए मास्टर कार्ड उनकी सहायता करेगा। मास्टर कार्ड कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको किराना प्रोजेक्ट के तहत, मतलब अपना व्यापार चलाने के लिए घटे दरों पर लोन भी प्रोवाइड करेगा, और इसके अलावा इनको UPI पेमेंट गेटवे भी देगा कि ये सारा ऑनलाइन कैश पर ट्रांजेक्शन करें और बिल्कुल धड़ल्ले से अपना व्यापार चला सकती हैं महिलाएं मास्टर कार्ड के इस इनिशिएटिव के तहत। तो USAID और मास्टर कार्ड दोनों ने साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। और आपको पता है मास्टर कार्ड अमरीकी कंपनी है, इसकी स्थापना 1966 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका अमरीका का न्यूयॉर्क। और USAID की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में करी थी, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में वॉइस बेस्ड LPG बुकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, और ये साथ में इन्होंने भारत में पहली बार डिजिटल पेमेंट टू नॉन इंटरनेट यूज़र लॉन्च किया है। मतलब समझ लीजिए इसका क्या कंसेप्ट है कि ये कौन सी कंपनी है जिसने LPG बुकिंग का ये सिस्टम लॉन्च किया है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ से ही बोल के फ़ोन कॉल पे LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हो। देखिए ये तो पुरानी चीज़ है, पहले से ही है, लेकिन नई चीज़ क्या है? अगर आप इंटरनेट यूज़र नहीं हो, आपको इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता है, आप स्मार्टफोन नहीं चलाते हो, तो उस केस में भी आप पेमेंट कर सकते हो। आप पेमेंट कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए ये आपका बार फोन है और आपका जो बैंक अकाउंट होगा आपको उसको क्या करना होगा, 123 पे UPI पेमेंट से लिंक कराना होगा। और जैसे ही आप लिंक कराते हो तो आप अपना गैस सिलेंडर बुक करिए। बुक करने के बाद आपसे पेमेंट के बारे में पूछेगा, आपको यस नो बोलना होगा, आप यस बोलोगे, उसके बाद एक पासकोड आएगा आपके इस फ़ोन में, वो पासकोड आप एंटर कर दीजिए, आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाएगी और सिलेंडर आपके घर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बेसिक योगदान है ये अल्ट्रा कैश प्लेटफॉर्म का है। अल्ट्रा कैश प्लेटफॉर्म जो है ये यहाँ पर भारत पेट्रोलियम के साथ मिलकर इसको लॉन्च कर रही है। तो भारत पेट्रोलियम आपको ये सुविधा आप दे रही है, और कॉमन नंबर जो इसका है हेल्पलाइन नंबर वो ये है, इस पर आप करके ये सारी सुविधा उठा सकते हो। भारत पेट्रोलियम जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। और ये जो अल्ट्रा कैश है ना, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसी कंपनी के द्वारा ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है कि आप केवल वॉइस कॉल से ही अपना पेमेंट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2022 के लिए मूडीज के द्वारा भारत का GDP ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है? तो मूडीज ने पहले प्रिडिक्शन दिया था 9.5%, अभी पिछले ही महीने फरवरी के महीने में, लेकिन मार्च में यूक्रेन और रशिया के वॉर को देखते हुए अब इन्होंने इसको कम कर दिया है और 9.1 प्रिडिक्शन दिया है। तो मूडीज के द्वारा भारत का GDP जो फोरकास्ट है 2022 के लिए घटा दिया गया है।
और आपको बता दूं, चौंकाने वाली बात यह है कि 2023 के लिए भी इन्होंने खुलासा किया है। इनका कहना है, इनकी रिपोर्ट का, कि 2023 में भारत का जीडीपी 5.4% रहेगा। अब आप समझ लीजिए भारत के बाजार पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और इसका सीधा सीधा असर किस वजह से पड़ेगा, क्योंकि भारत दुनिया के उन देशों में से है जो कि सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है, और यूक्रेन और रशिया के इस वॉर की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें अब लगातार बढ़ेंगी और जिसका सीधा असर भारत के बाजार में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में 18 मार्च को डोल उत्सव और डोल यात्रा मनाया गया। डोल उत्सव, डोल यात्रा जो त्यौहार है, ये बेसिकली वेस्ट बंगाल में मनाए जाते हैं। इसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोला जाता है, मतलब रंगों का त्यौहार बोला जाता है। और ये जो त्यौहार है, ये भगवान कृष्ण और राधा को याद करके मनाया जाता है, उनको एक तरीके से डेडिकेटेड है। और इसी दिन को डोल यात्रा, डोल पूर्णिमा, बसंत उत्सव, इन सब दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो रंगों का त्यौहार एक तरीके से आप बोल सकते हो, वेस्ट बंगाल के अंदर होली के उत्सव में या फिर होली के टाइम में डोल उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, आसाम में हेमंता बिस्वा सरमा की सरकार है, नागालैंड में नेपी और यो की सरकार है, सिक्किम में पी एस तमांग की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी हाल ही में 125 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव कर दिया गया है। और ये जो 125 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक दे रहा है इस राज्य को, इस पैसे की मदद से यहाँ पर जो गरीब तबका है उसके लिए सोशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये राज्य सरकार भी वेस्ट बंगाल है। पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ल्ड बैंक की तरफ से 125 मिलियन डॉलर मिलेंगे। और पश्चिम बंगाल में आपको पता ही है ममता बनर्जी हैं। अभी पिछले ही साल विधानसभा इलेक्शन हुए थे और इनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो है 213 सीटें जीती थी, लेकिन वो अलग बात है, ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई थी। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1944 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन है, विच शिपयार्ड हैज पार्टनर्ड विद ड्रेडगर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू मेक इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ड्रेडगर। कहने का मतलब यह है कि यह कौन सी शिपयार्ड कंपनी है जिसने अभी हाल ही में ड्रेडकर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और इनके इस पैक्ट के तहत भारत में पूरे तरीके से निर्मित पहली बार ड्रेडकर बनाया जाएगा। तो ये है आपकी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, और ये कहाँ पर है, कोचीन पड़ती है केरल में। अब पहले यह समझ लीजिए कि ड्रेडकर होता क्या है या ड्रेडगिंग बोलते किसे हैं। देखिए, ड्रेडगिंग किसे बोलते हैं, जब आप किसी कोस्टल एरिया पे जाते हो समुद्र के, तो वहां पर आप देखोगे कई बार कीचड़ होता है, ज़्यादा सैंड होती है, मड होता है, ठीक है, तो उसको किनारे से वापस दूसरी तरफ समुद्र की तरफ फेंकने के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको, मड को, कीचड़ को, सैंड को, मिट्टी को वापस फेंकने की, इसको ड्रेडगिंग बोला जाता है। और ड्रेडगर क्या होता है, इस तरीके की बोट्स में लगा हुआ नीचे ये इक्विपमेंट होता है। ये क्या करता है, ज़मीन में जहाँ पर मिट्टी और मड और कीचड़ ज़्यादा होता है, ये सब इसको निकाल के बाहर करने का काम करता है। तो ये जो इक्विपमेंट है ड्रेडगर कहलाता है, और ये पूरी प्रक्रिया ड्रेडगिंग कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे जहाँ पर ये बोट खड़ी हुई है, इस बोट के नीचे जितना भी मड है इसको ये सब उछाल के काफ़ी दूर फेंक रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्रेडगिंग। और भारत को ये पहली बार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ड्रेडगर कितने महीनों में मिल जाएगा, अगले 34 महीनों में यह भारत को मिल जाएगा। और इसके लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 920 करोड़, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इसको 920 करोड़ की मदद से बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। अभी हाल ही में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें टॉप किया है कौन से स्टेट ने, इस बार तेलंगाना ने इसको टॉप किया है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है विविधता। भारत सरकार लगातार आपको बोलती है किसानों को कि वो तरह तरह की फसलें उगाएं, केवल एक या दो तरीके की फसलों पर निर्भर ना रहें। तो इसमें तेलंगाना राज्य रहा नंबर वन पे। तेलंगाना के किसानों ने पिछले सत्र में 77 तरीके की फसलें उगाई हुई हैं, एक दो नहीं या 10-20 नहीं, 77 तरीके की पूरी वेराइटीज। और इसमें जो टॉप थ्री डिस्ट्रिक्ट्स रहे हैं तेलंगाना के, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले नंबर पर रहा निर्मल, दूसरे नंबर पर विकाराबाद, और तीसरे नंबर पर रहा संगारेड्डी। और सबसे ज़्यादा पिछले सत्र में तेलंगाना में कौन सी खेती करी गई, तो ये पैडी की खेती करी गई। पैडी मतलब धान, धान मतलब चावल की खेती करी गई। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। आंध्र प्रदेश में YS जगन रेड्डी की सरकार है, केरल में पिनाराय विजयन है, और तमिलनाडु में MK स्टालिन की सरकार है।
आप सभी लोग ध्यान रखिए, आज दोपहर में 3 बजे और शाम को 7 बजे बैक टू बैक मैं 2 क्लासेस लेने वाला हूँ स्टैटिक जी के MCQs की। ये दोनों स्पेशल क्लासेस हैं, SSC को देखते हुए मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। इन दोनों क्लासेस के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अभी जाइए फटाक से दोनों लिंक पर खुद को रजिस्टर कर लीजिए। क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड है Varun777। तो मौका मैं आपको दे रहा हूँ, चौका मार रहा है, आपका काम है, इस कोड का यूज़ करिए और दोनों क्लासेस आपकी खुल जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आज दोपहर में 3 बजे और 7 बजे दोनों बार मेरी आपसे मुलाकात होगी दोनों टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड वन डिवाइस वॉलेट UPI लाइट फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शंस इन ऑफलाइन मोड। कहने का मतलब यह है कि यह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिवाइस वॉलेट लॉन्च किया है जिसका नाम है UPI लाइट, और ये छोटे पेमेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है। इसकी खास बात यह है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो उसके बाद भी आप ऑफलाइन मोड में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है NPCI के द्वारा। NPCI का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे दिलीप असबे। क्या नाम है, दिलीप असबे। इसकी खास बात पता है क्या है, UPI लाइट की आप इसमें मैक्सिमम 200 रुपये बस ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब 10, 20, 50, 100, 150, 200 रुपये तक आपको जो भी ट्रांजेक्शन करना है वो आप कर सकते हो, मतलब बिल्कुल मिनी ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम 200 रुपये तक आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अच्छी चीज़ है, अगर आप ऑफलाइन भी हैं, आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो भी आप ये पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। नाम ध्यान रखिएगा, UPI लाइट इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट जारी करी गई है 2022 की, इसको टॉप किसने किया है, मतलब दुनिया में इस लिस्ट के हिसाब से सबसे अमीर व्यक्ति इस टाइम पे कौन है। तो नंबर वन पे रहे एलोन मस्क, टेस्ला के मालिक, और इनकी वेल्थ है इस टाइम पे $205 बिलियन। आपको याद होगा मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में पूरे एशिया में किसने टॉप किया है, तो एशिया में मुकेश अम्बानी नंबर वन पे हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड में बात करी जाए तो आप देख लीजिए मुकेश अम्बानी 9वीं रैंक पर हैं। और अगर टॉप थ्री की बात करें तो एलोन मस्क वन पे, सेकंड नंबर पे अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस, और थर्ड नंबर पे LVMH के मालिक बर्नार्ड अर्नॉल्ट। ये कहाँ के बिलेनियर हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट, ये फ्रांस के हैं। बिल गेट्स रहे हैं 4थे नंबर पे, और 5वें नंबर पे रहे हैं वेरन बफेट। तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अन अकेडमी पर इस कोड का Varun777 का यूज़ करके आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, UPSC, स्टेट PSC, IIT, JEE, SSC, बैंक, रेलवे, और आपको मिलेगा मार्च का बेस्ट ऑफर और एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट। अगर आप क्रेडिट पॉइंट अपने यूज़ करते हो तो 15% तक भी ये डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक की बात यहीं तक, कल सुबह 4 बजे फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।